बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी ने कहा है कि बांग्लादेश भारत सीमा पर व्यापारिक चौकियां हैं और महामारी के कारण ये बंद थी। उनमें से एक चालू है और दूसरी जल्द खुलेगी। बांग्लादेश भारत वाणिज्य मंत्री स्तर की बैठक के बाद मंत्री मुंशी ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया, जहां उन्होंने कहा कि सीमावर्ती हाटों को फिर से खोलने के लिए भारत के सुझाव को बांग्लादेश ने पॉजिटिविटी के साथ जवाब दिया है। बांग्लादेश भारत वाणिज्य मंत्री स्तर की बैठक 22-23 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। संवाददाता सम्मेलन में मुंशी ने यह भी कहा कि भारत ने बांग्लादेश को चावल, गेहूं, चीनी और प्याज सहित 7 आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने पर सहमति व्यक्त की है। संभावित खाद्य संकट का सामना करने के लिए चावल, गेहूं, चीनी और प्याज जैसी प्रमुख आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए भारत को वार्षिक कोटा सुविधा मांगी गई है। वे हमारी जरूरतों के मुताबिक ऐसा कोटा तय करने पर सहमत हो गए हैं। वार्षिक कोटे के बारे में मुंशी ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया है कि वे बांग्लादेश की वास्तविक मांग की समीक्षा करने के बाद अगले 2 महीनों के भीतर कोटा तय कर देंगे। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान बांग्लादेश ने भारत से बांग्लादेशी जूट से बने सामानों पर 2017 में पहले लगाए गए डंपिंग रोधी शुल्क को वापस लेने का अनुरोध किया। भारत हमें मामलों पर सक्रिय रूप से विचार करने का आश्वासन दिया है। मंत्री ने कहा है कि बांग्लादेश और भारत दोनों कम से कम समय में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमत हो गए हैं। उम्मीद है कि इस तरह के एक समझौते पर जल्द बहुत जल्द हस्ताक्षर किए जाएंगे। और इसी बीच भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बयान में कहा है कि दोनों देश जल्द से जल्द व्यापार सौदे के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भारत से जल्द ही चावल, गेहूं, चीनी और प्याज जैसी आवश्यक वस्तुएं बांग्लादेश भेजी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।